अभी जब आईपीएल ख़त्म होगा तो मैं जाऊंगा अपने घर, 9 साल बाद अपने घर जाऊंगा, तो मेरे को काफ़ी उस चीज़ का वो है कि एक्साइटमेंट भी है कि मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा होगा। मेरा नाम कुमार कार्तिकेय सिंह है। मैं बहुत छोटा था तब, मेरे पापा इतने थोड़ा उनका नेचर गुस्से वाला है, तो वो टीवी में मैच देख रहे थे, उसमें वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा था। तब मेरे को इतनी समझ नहीं थी क्रिकेट की कुछ, मैंने देखा कि पापा क्रिकेट देख के खुश हो रहे, तो मेरा इंटरेस्ट जो है उसकी तरफ गया, तो वहाँ से फिर मैंने सोचा मेरे को भी खेलना चाहिए। मेरे पापा पुलिस में हैं, तो उस टाइम उनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी, तब मेरे को ले गए, वो KVS क्रिकेट क्लब है सीतापुर में, तो वहाँ पे स्वदेश सर हैं, उन्होंने उनके पास सबसे पहला मेरे जो कोच थे उनके पास में गया प्रैक्टिस के लिए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से। फिर मैंने यूपी से ट्रायल वायल दिए, तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूपी पुलिस के कोच थे रोहन भैया, वो मेरे को दिल्ली ले गए वहाँ से कि अच्छी क्रिकेट और खेलने को मिले। तो जब मैं दिल्ली पहुँचा तो 1 साल तो मेरा काफ़ी लंबा स्ट्रगल था। फिर उसके बाद वहाँ पे गया तो संजय भादवा सर मिले मेरे को, उन्होंने सिर्फ मेरी एक बॉल देखी, उन्होंने एक बॉल देखते ही बोला कि आप एक काम करो, आप यहीं पर रहो मेरे साथ, आपका जो भी होगा तो वो मैं देखूँगा। सर ने मेरे को मतलब अपने बेटे की तरह पाला, 6 साल उन्होंने मेरे को अपने पास रखा, जो भी क्रिकेट के खर्चे होते हैं सारा उन्होंने देखा। तो उस टाइम मैं दिल्ली में खेला, उसके बाद फिर मैंने वहाँ परफॉर्म किया, बट वहाँ पे ट्रायल्स में नहीं हुआ। फिर मेरे को सर ने बोला कि तू एक काम कर, MP जा। जब मैं शहडोल पहुँचा तो मैंने वहाँ पे ट्रायल मैचेस खेले, प्रैक्टिस मैचेस खेले, उसके बाद पहली बार मेरा नाम 23 में स्टैंड बाई डाला गया। उसके नेक्स्ट ईयर मेरा नाम आया रणजी ट्रॉफी के ट्रायल मैच में, फिर वहाँ पे मैंने खेला, वहाँ पे अच्छा किया। उसके बाद मेरे को पहले साल विजय हजारे खेलने को मिला, मैंने पहली बार पापा को फ़ोन किया इतने सालों में, 6 सालों में, तो पापा ने मेरे से बात की, तो काफ़ी उस टाइम काफ़ी खुश थे, बट उन्होंने वो शो नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है अभी आगे ये खेला है तो उसके आगे भी लाइफ है, अभी और भी बहुत कुछ करना है, इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने सर को बताया अपने कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ, सर ने बोला कि जो मैंने तेरे को सपना दिखाया वो ये नहीं है, इससे भी आगे बहुत कुछ खेलना है तेरे को, तो ऐसे करके फिर वो आगे मेरी जर्नी वहाँ से और स्टार्ट हुई। फिर मेरे को राहुल सर का फ़ोन आया, राहुल सांघवी सर का, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है सपोर्ट बॉलर, आप आ सकते हो। और जब मैं आया तो सबसे पहले मैं रोहित भैया को देखा, तो मेरी नज़र उनसे हटी नहीं रही थी, क्योंकि मैं पहली बार मैं जिनको सिर्फ TV में देखता था उनको सामने देखा, जैसे सचिन सर को सामने देखा। मुंबई इंडियंस ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, राहुल सर ने, बॉन्डी सर ने, और महिला सर ने, जहीर सर ने, सब इन सब ने मेरे को काफ़ी समझाया कि बॉलिंग का पैटर्न बताया कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये इस प्लानिंग से बॉल कर सकते हैं। फिर जब मैं ग्राउंड में घुसा, जब मेरी बॉलिंग आई, बॉल दिया रोहित भैया ने कि बॉलिंग ये वाला ओवर डालना है, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला तो बिंदास डालना, सब मैं संभालूंगा, सिर्फ तू बॉलिंग पे ध्यान दे बस। तो वहाँ पे जब मैंने बॉलिंग किया, उसके बाद जब मैं बॉलिंग करके आया तो उन्होंने मेरे को बोला तू आज बहुत अच्छी बॉलिंग की तूने, और डरा नहीं, सभी कोचेज ने भी बोला बिना डरे तूने बॉलिंग की, सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि तू नर्वस नहीं हो। मैंने पापा को बताया कि मैं मैच खेल रहा हूँ, तो पापा ने वहाँ पे अपने में जहाँ पे बटालियन में पूरे बताया, प्रोजेक्टर लगा हुआ था, तो पापा मेरे मतलब प्रोजेक्टर पे मैच देख रहे थे। ये जो नीली टी शर्ट में बैठे हुए हैं यही है कुमार कार्तिकेय के पिताजी, बहुत खुशी का माहौल है पुलिस लाइन झांसी में। जब मैंने पहला विकेट लिया तो सब उनको खड़े होकर ताली बजाने लगे, उनको गले लगाने लगे, तो वो जब मेरे को उन्होंने वो वीडियो भेजी ना मैच के बाद, तो वो मेरे लिए एकदम अलग खुशी थी, क्योंकि मैंने पापा को वैसा ही हंसता देखा जैसा मैंने जब मैं छोटा था, मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने देखा था। तो बोले थे बस ये जर्सी तो मिल गई है तेरे को, और आगे भी ध्यान देना है। जब मैं घर से निकला था तो मैंने ये सोचा था कि जो है कुछ कर लूँगा तभी आऊँगा घर वापस। अभी जब IPL ख़त्म होगा तो मेरा सबसे पहला कि अभी मेरी MP टीम को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे नॉकआउट्स हैं रणजी ट्रॉफी के, तो पहले वो खेलूँगा, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा अपने घर, 9 साल बाद अपने घर जाऊँगा, तो मेरे को काफ़ी उस चीज़ का वो है कि एक्साइटमेंट भी है कि मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा होगा।